अब मैंने बनाना है इनके लिए खाना दोपहर का। और बर्तन पड़े हुए हैं, बर्तन वॉश करूँगी। ये देखें, मुझे ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा तो फिर मैंने जो है वो ये ख़रीद ली। ये है जी चिकन बोनलेस हांडी, रेस्टोरेंट स्टाइल में बहुत ही लजीज। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे। आज जैसे कि संडे है, और संडे है तो कहते तो हैं संडे फंडे, लेकिन फीमेल्स के लिए बहुत ही बिजी दिन होता है। आज मेरे दिन का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के जिक्र के बाद मैंने दिन का आगाज़ किया। फिर जल्दी जल्दी बच्चों को फ्रेश किया, फ्रेश करने के बाद जो है वो मैंने नाश्ता बनाया। और उसके बाद क्योंकि मुझे शॉपिंग पे जाना था, घर के कुछ चीज़ें लेनी थी, तो मैं वहाँ चली गई। मेरे छोटे छोटे जो बच्चे हैं, मासूम से बच्चे, उनकी मुझे टेंशन थी कि वो घर पे अकेले हैं, अपने बाबा के साथ हैं, तो मैंने जल्दी जल्दी शॉपिंग की। इसलिए मेरा इरादा तो था कि मैं आज शॉपिंग के लिए आपको अपने साथ लेके जाऊंगी, मगर ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि मुझे बहुत टेंशन थी कि मुझे जल्दी आना है क्योंकि बच्चे घर पे हैं उनके बाबा के पास, तो इसलिए। लेकिन मैंने क्या किया कि घर आई हूँ और ये देखिए माशाल्लाह आप देख ही रहे हैं कि मैंने कुछ शॉपिंग की है। मैंने कहा चलो मैं अपनी शॉपिंग आज आपसे शेयर करती हूँ। तो आज सबसे पहले जब मैंने गई हूँ तो मुझे वहाँ पर बहुत ही प्यारी अच्छी सी सब्ज़ियाँ नज़र आई। तो ये मुझे बंद गोभी है, मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने ये बंद गोभी ले ली। और ये गाजरें देख के मुझे अरीशा याद आ गई क्योंकि अरीशा को मैक्रोनीस बहुत पसंद है, तो उसके लिए मैंने कुछ गाजरें ख़रीदी हैं। और ये मैंने ख़रीदी हैं बहुत ही खूबसूरत शिमला मिर्चें, बहुत ही फ्रेश और अच्छी सब्ज़ी थी। देर हो जाए या सुबह सुबह अच्छी सब्ज़ी आपको अच्छी चीज़ मिल जाती है मार्केट से। फिर मैंने ये कुछ फ्रूट्स ख़रीदे हैं। और ये क्या है जी, ये है ये है हमारे खानों की जान, मर्च, सब्ज मर्च। मुझे और मेरे हस्बैंड को खाने में लाल मर्च नहीं पसंद, सब्ज मर्च हम बहुत शौक से खाते हैं, और मर्चों में मुझे ये वाली सब्ज मर्च बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा जो है वो प्रेफर करती हूँ कि मुझे ये वाली मर्च मिले तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिर मैंने ख़रीदी ये एक शीट है, शीट मैंने ख़रीदी है कवर करने के लिए बाहर कुछ वॉशिंग मशीन वगैरह पे, ताकि वो पानी ना पड़े, ये मैंने एक शीट ख़रीदी। इसके अलावा मैक्रोनीस के लिए मैंने कुछ सॉसेस ख़रीदी हैं। और ये कुछ किचन का सामान था वो मैंने लिया, एक ट्रे ली है खाना या कोई भी चीज़ गरम कवर करने के लिए, ये बहुत ही यूज़फुल होती है बच्चों के लिए, जब दूध हम गरम कर लेते हैं तो उसको कवर करने के लिए ये मैंने ली है। और ये बहुत अरसे से मैं इसकी तलाश में थी कि मुझे अच्छी सी मिल जाए। इसके अलावा ये मैंने कुछ टोकरियाँ ली हैं घर के इस्तेमाल के लिए, ये जितनी भी हो कम हो, क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं वो उठाते हैं यहाँ वहाँ फेंक देते हैं और वो फिर जो है डैमेज हो जाती है। फिर मैंने घर के लिए कुछ कप वगैरह ख़रीदी हैं, चलिए मैं दिखाती हूँ आपको भी। ये देखें, मुझे ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा तो फिर मैंने जो है वो ये ख़रीद लिए। ये तो माशाल्लाह जितने भी हों घर में शीशे के कप ग्लास वो कम ही होते हैं। इसके अलावा मैंने क्या ख़रीदा था, हाँ जी सब्जियों में मैंने ख़रीदी लीमू, हमारे घर लीमू जो है इसके बाबा बहुत शौक से स्कंजवी पीते हैं, तो गर्मियों में हम ये घर में इस्तेमाल करते हैं। आप लोग भी ज़रूर यूज़ किया करें, विटामिन सी जो फीमेल्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है, और विटामिन सी की टैबलेट्स लेने के बजाय आपको एक ग्लास जो है वो एक लीमू एक ग्लास में लें, निचोड़ लें, और उसको जो है अगर दिल करे तो थोड़ी सी चीनी डाल लें, नमक डाल लें और उसको पी सकते हैं, तो ये टैबलेट खाने से बेहतर है। कुछ फ्रेश टमाटर, और इसी तरह मैंने अनियन लिए हैं, आलू लिए हैं स्पेशली चिप्स के लिए लिए, हमारे घर में आलू जो है ज़्यादातर चिप्स ही पसंद की जाती है, फिंगर चिप्स। और ये घर के कुछ सौदे थे, ये सवैयाँ अरीशा की फेवरेट, तो मैंने कुछ कलरफुल जो है सवैयाँ ले ली।
और ये बनती भी बहुत मज़ेदार है। इंशाल्लाह इससे मैं जो है आपको एक मज़े की डिश बना के दिखाऊंगी, सिखाऊंगी आपको, आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ मैंने और सेवैयाँ ली हैं, कुछ घर की चीज़ें, मसाले मसाला जात वगैरह ही हैं। और ये आज थी मेरी शॉपिंग, और जब मैं घर आई हूँ तो उसके बाद वो ढेर सारे किचन में जो बर्तन है वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तो अब मैं जो हूँ आहिस्ता आहिस्ता साथ काम करूँगी और साथ आपको भी लिए चलूँगी, क्योंकि अब मैंने बनाना है इनके लिए खाना दोपहर का। और बर्तन पड़े हुए हैं, बर्तन वॉश करूँगी, कुछ घर के काम है, तो आप मेरे साथ साथ रहें, हम मिलके ही सब काम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब मैं किचन में आ गई हूँ, किचन के बाकी के काम निपटा के और किचन में खाने की तैयारी कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही झटपट और जल्दी बन जाने वाली डिश है। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो मैं आपको बता दूंगी। इसके लिए मैंने लिया है 1/2 kg बोनलेस चिकन ले लिया है, ये अनियन ले लिए हैं, ठीक है, मीडियम साइज़ के 2 अनियन लिए हैं, और ये जो है वो मैंने टमाटर ले लिए हैं। टमाटर हमें अच्छी लगती है खाने में, तो मैंने जो है तकरीबन बड़े साइज़ के 2 टमाटर लिए हैं। ये मैंने जो है लहसुन के 3 जवे ले लिए हैं, इनको छील लिया, तो इनको मैं जो हूँ वो छोटा छोटा जो है काट लूँगी। इसके लिए मुझे चाहिए 1 लीमू, और ये हरी मिर्चें हैं, खूबसूरत खूबसूरत हरी मिर्चें जिनको देख के मैं खुश हो जाती हूँ। और ये जो है मर्च, शिमला मिर्च, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कीजिएगा, वरना आप रहने दें। ये क्योंकि मुझे बहुत पसंद है तो मैं ये एक्स्ट्रा इसमें ऐड करती हूँ तकरीबन एंड पे। आप भी यूज़ करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। ये जो है शिमला मिर्च, ये ऑप्शनल है। तो आप चलते हैं, कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे थे आज के इंग्रेडिएंट्स, और इसके अलावा जो मसाला जात हम इसमें ऐड करेंगे वो साथ साथ जो है वो मैं आपको डालती जाऊंगी और साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। तो चले शुरू करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने एक पैन रखा है, इसके अंदर तकरीबन मैं 3 टेबलस्पून जो है वो ऑयल डालूंगी, 1 teaspoon ज़ीरा ऐड करूँगी, और मैं उसके अंदर ऐड करूंगी लहसुन जो मैंने चॉप कर लिया था, साथ ही मैं इसके अंदर बोनलेस चिकन ऐड कर दूंगी। मीडियम सी आंच रखेंगे, ये वैसे ही झटपट तैयार हो जाती है। हेलो अरीशा, और अरीशा कह रही है शी वांट्स मिल्क, अरीशा कह रही है दूध दे दें, मुझे सोना है। ओके गो बैक, मैं आपको दे देती हूँ। ओके अब ये इनका कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो गया है, और अब हम इसमें डालेंगे प्याज, हम इसमें डालेंगे ये टमाटर, हसबे जायका नमक डालेंगे 1/2 teaspoon जो है, बल्कि उससे भी थोड़ी लाल मिर्च डालिए। इसमें मैं हरी मिर्च डालूंगी और लाल कुटी हुई मिर्च भी डालूंगी थोड़ी सी, आप अपने जायके के मुताबिक डाल लें, तेज हल्की जिस तरह आपको पसंद है। 1/2 teaspoon ही जो है हल्दी डाल दूंगी, और हमेशा की तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के, दुरूद शरीफ पढ़ के, एक चुटकी में इसमें कलवंजी डालूंगी। इसमें डालूंगी
लीमू, थोड़ा सा लीमू मैंने एक दो स्लाइस गार्निश के लिए रहने दिए। और अब मैं इसको जो है ना वो तकरीबन 5 मिनट के लिए ढक दूंगी टमाटर के पानी से, जो है ये चिकन अच्छे से गल जाएगा और ये प्याज भी हर चीज़ जो है वो अच्छे से हो जाएगी। उसके बाद हम भून लेंगे और एंड पे तकरीबन मैं हरी मिर्च और शिमला मिर्च डालूंगी, क्योंकि वो हमें खड़ी खड़ी ही अच्छी लगती है और वो वाकई ही जायका और उसकी खुशबू और हर चीज़ उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू जो होती है वो बरकरार रहती है। ये देखिए अब मैं इसको कवर कर दूंगी। ये आपको इस तरह लग रही होगी, हम लोग ज़्यादा मिर्चें नहीं खाते इसलिए जो है इसका इस तरह है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। अब मैं इसको कवर कर दूंगी 5 मिनट्स के लिए, 5 मिनट्स के बाद जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो 5 मिनट हो गए हैं, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना लजीज तैयार हो रहा है। अब इसमें थोड़ा बहुत जो है वो अभी पानी है, खुश्क अच्छी तरह नहीं हुआ। इस पॉइंट पे आकर जो है मैं इसके अंदर ये शिमला मिर्चें ऐड करूंगी। बहुत ही खुशनुमा और खुश जायका लग रहा है। अब मैं इसको कवर कर दूंगी मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखिए आपको नज़र आ रहा, अब ये बिल्कुल माशाल्लाह रेडी है। अब मैं इसके ऊपर इस वक्त थोड़ी सी हरी मिर्चें डालूंगी। अब मैं एक अच्छे से बाउल में इसको जो है वो निकाल लूंगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह मैंने निकाल ली है कढ़ाई के अंदर। जो भी आपका प्रेजेंटिंग बाउल हो, कोई भी बर्तन हो, डिश हो, जिसमें भी आप जो है वो पेश करना चाहें उसमें निकाल लें। और उसके बाद देखिए मैंने इसको कितनी खूबसूरती से गार्निश कर दिया है। एक मैंने फूल बनाया है टमाटर का और हरी मिर्चें और लीमू सब्ज़ मिर्चें इनके साथ गार्निश कर दिया है। उम्मीद करती हूँ कि ये डिश आपको बहुत मज़े की और लजीज लगेगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिश कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।